आज की हमारी सर्वजातीय खापोगा 19 के सभी पदाधिकारियों की सभी सम्मानित सदस्य गणों की मीटिंग इसलिए बुलाई थी क्योंकि भाई काफ़ी लंबे समय से जो हमारे सम्मानित महिला पहलवानों का जो आंदोलन चला, उस आंदोलन में उन महिला पहलवानों ने जो WFI का अध्यक्ष था ब्रिजभूषण, उसके खिलाफ मतलब काफ़ी बातें बताई, उस पर मुकदमे भी 41 के करीब दर्ज हैं। और जैसे अब जो WFI का जो चुनाव संपन्न हुआ और उस चुनाव संपन्न होने के बाद उसका जो अध्यक्ष बना, उससे सारे महिला पहलवान जो सम्मानित थे उनका हौसला टूटा है क्योंकि उसको अध्यक्ष उसी को बना दिया जो ब्रिजभूषण था, उसकी टीम में पहले शामिल था। तो ये बात तो हमारे सम्मानित पहलवानों ने पहले भी कही थी कि भाई इससे यदि कोई अध्यक्ष बन गया तो फिर बात कोई ख़त्म नहीं होगी, बात वैसी की वैसी ही रहेगी। तो जैसे हमारे महिला पहलवानों ने संन्यास लेने की भी घोषणा करी, पद्मश्री भी वापिस लौट आए, तो ये हमारे खेल के प्रति मतलब देखो उनकी जो आत्मा की आवाज़ थी उन्होंने निकाली। तो हमारी सरकार का भी दायित्व तो बनता है कि भाई इतने बड़े लेवल पे जिन्होंने पूरे भारत देश में नहीं पूरे संसार में अपने देश का नाम रोशन किया, क्योंकि राजनेताओं से और सांसदों से खेल नहीं होते हैं, खेल होते हैं हमारे सम्मानित खिलाड़ियों से, वे हमारे पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो उनसे ही देश चलता है और भाई देश का सम्मान भी होता है। तो जैसे हमने अभी पता चला है कि भाई सरकार ने उस WFI जो अध्यक्ष बना था, जो कार्यकारिणी बनी थी, उसको भंग कर दिया है, तो चलो अच्छी बात है सरकार ने इस बारे में सोच विचार कराया। तो हम तो सरकार से एक अनुरोध करना चाहते हैं कि हमारे सम्मानित इन पहलवानों के बारे में यदि आपने कुछ सोचना है तो इनसे ही मिली जुली जैसे उन्होंने काफ़ी पहले भी आंदोलन में भी कही थी ये बात कि भाई जो फेडरेशन WFI का अध्यक्ष बने वो अध्यक्ष मतलब एक खिलाड़ी को ही बनाया जाए, और ये WFIFI नहीं, जितने भी तमाम जो फेडरेशन है खेलों के, उन खेलों में उन खिलाड़ियों को ही मतलब इसका मतलब एक मार्गदर्शन के लिए उनको प्रतिनिधित्व देना चाहिए, ताकि वही खिलाड़ी खेल के प्रति भी समर्पित हो, और खिलाड़ी जो एक खिलाड़ी की सोचता है वो ये राजनेता और ये सांसद ये कभी नहीं सोच सकते। तो हमारी सरकार से मांग है, एक तो वही WFI का अध्यक्ष कोई हमारा सम्मानित खिलाड़ी को ही बनाया जाए, दूसरा जो हमारी महिला जो पहलवान है उन महिला पहलवानों का कोच हमारी कोई महिला प्लेयर को ही बनाया जाए, ताकि भाई इन खेलों से जो अपना देश का प्रतिनिधित्व पूरे संसार में होता है, इसका रूटीन में अपनी खेल के प्रति अच्छी भावना और अपने देश का भी नाम रोशन चलता रहे। इतना बड़ा आंदोलन होया, पूरे संसार में अपने देश की किरकिरी हुई, तो हम भाई सरकार से ये विनती करते हैं कि भाई जल्द से जल्द हमारे खिलाड़ियों के अनुरूप ही कोई कमेटी बना के और मतलब इन खिलाड़ियों की सुनवाई होनी चाहिए। तो संन्यास लिया है उसको किस रूप में देखते हैं? देखो हमारी सम्मानित बहन है साक्षी मलिक, क्योंकि इन्होंने भाई जो देश के लिए किया है विरले ही होते हैं, जो पहला ओलंपिक मेडल जो हमारे देश के लिए इसने दिलवाया, बहुत गर्व की बात कि भाई खिलाड़ी एक तो कोई जात बिरादरी का नहीं होता, पूरे देश का होता है। और हम हमारी बहन से ही अपील भी करते हैं कि भाई थोड़ा सा मतलब एक सोच समझ कर थोड़ी सी ज़्यादा जल्दबाजी न करें, क्योंकि सब भाई आज भी उनके साथ हैं, हम भी उनके साथ हैं, हमारे बहनों के भाइयों के हमारे सम्मानित खिलाड़ियों के साथ गलत होगा तो हमारी सर्वजातीय खाप होगा 19 आज भी उनके साथ है, तनमंदन से पहले भी उनके साथ रही, और जो भी नाइंसाफी की लड़ाई जिसके साथ भी होगी उसके साथ हम हमारी खाप बिल्कुल खड़ी पाओगी। तो हम उनसे भी ये अपील करते हैं कि भाई ज़्यादा जल्दबाजी न करें, और सरकार ने ये जो फैसला लिया है कि भाई इन खिलाड़ियों को ही इसका अध्यक्ष बनाया जाए, न कि किसी सांसद को न किसी नेता को, तो इसके बारे में एक बार खिलाड़ियों को भी पुनर्विचार करना चाहिए, क्योंकि वो पहले भी खापों ने उनका समर्थन दिया था खिलाड़ियों का। अब जैसे बजरंग पुनिया ने भी पद्मश्री वापस लौटाया है, तो कहीं ना कहीं इनके साथ जाती हुई है इसलिए, या फिर फोगाट खाप आगे उनका हमेशा साथ देगी? देखो जाती तो हुई है, जाती तो जब जनवरी में आंदोलन चला, सरकार ने भरोसा दिया, आश्वासन दिया कमेटी बनाएंगे, खेल मंत्रालय ने दिया, उसके बाद फिर आंदोलन चला। एक बात ये देखो कि पूरा इतना बड़ा लेवल पर आंदोलन चला और वे आंदोलन कारी जो बैठे थे वे कोई साधारण आदमी नहीं थे, वे पूरे संसार के गिने चुने आदमियों में जिनकी गिनती होते हुए आदमी बैठे थे और उनकी कोई सुनवाई नहीं। आप एक बात सोचो, इस सरकार के अंदर वो संदीप सिंह मंत्री है एक,
उसने भी महिला पहलवान उसके साथ कोच के साथ गलत व्यवहार किया, और किसानों के साथ भाई जो दलाल साहब है यो भी गलत सलत बोलिया बहन बेटियों के बारे में। तो आप ये सोचो कि भाई इतने बड़े लेवल के ऊपर उन आदमियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, तो एक आम साधारण जो आदमी है, जो बिल्कुल देश का आम साधारण आदमी है, उसकी तो फिर सुनवाई का कोई गिनती नहीं है। तो हमारे पहलवानों ने बिल्कुल ठीक थे अपनी जगह, सरकार को मोदी साहब से जब ये मिलने गए, खाने पे बुलाया, उस टाइम भी उन्होंने उनको अवगत कराया, सारी बातों को बताया, लेकिन इनके ऊपर बिल्कुल जू तक नहीं रहेंगी। और इतने अत्याचार, तो महिला पहलवानों का आंदोलन बिल्कुल जायज़ था, और वे अपनी बात के ऊपर आज भी वैसे के वैसे खड़े हैं। बशर्ते हम सरकार से ही अपील करते हैं, जैसे आज जो कार्यकारिणी भंग की है, इसमें सरकार को भाई महिला पहलवानों को ही इस WFI का अध्यक्ष बनाना चाहिए, और कोच महिला पहलवानों की महिला पहलवानी कोच हो। इन पॉलिटिकल आदमियों को इस फेडरेशन, हालांकि WFIFI नहीं, कोई भी फेडरेशन हो, उसका खिलाड़ियों के प्रति जो हो, तो खिलाड़ी को ही उसका अध्यक्ष बनाओ। जो खिलाड़ी उनकी सोच सकता है, वो कोई सांसद या पॉलिटिशियन नहीं सोच सकता।